हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे द्रव्य गुण जो सेकंड होती है उसका फर्स्ट प्लांट जो मेजर प्लांट है अग्रु। तो उसके बारे में अपन डिटेल में पढ़ेंगे कि अग्रु क्या होता है, जिसको अपन नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर अगर भी बोल सकते हैं, ठीक है। और इंग्लिश जो इसका इंग्लिश नेम है वो है एल्कलिप वुड करके नाम से है। और इसका जो बॉटनिकल नाम होता है वो एक्विलेरिया एग्लोचा है। और इसकी जो फैमिली है भाई वो होता है थामिलेसी, ठीक है भाई। इसके प्राय इंपोर्टेंट है पूछा जाता है कि एक अनायक इंपोर्टेंट है इसका योगस्क और लोह, कि लोग किसको बोलते हैं, अग्रु को बोलते हैं। और कर्मीज भी इंपोर्टेंट है ना, चार नाम याद रखने हैं, अनायक, योगज, लोह और कर्मीज, ठीक है। क्षेत्रीय भाषा मैंने बताई दी अगर बोलते हैं इसको। अब बहुत सी बार ये होता है कि यार ये अगर जो है अग्रु वो होता कैसा है, प्लांट होता है कि सूप होता है कि मतलब अलग अलग वृक्षों की कैटेगरी होती है, तो उसमें बांटा जाता है कि मतलब किस टाइप का ये वृक्ष है। तो जो अगरू है वो हमेशा हरा रहने वाला होता है, ठीक है। पुराने वृक्षों के अंत काष्ठ कीट जनक होने के कारण कृष्णवर्ण गंध युक्त सार निकलता है इसका। किस टाइप का सार निकलता है, कृष्णवर्णी गंध युक्त वाला है ना। अब बात करें इसके पत्ते कैसे होते हैं, 2 से 3 इंच लंबे भलाकार, ठीक है। इतना याद रखना, 2 से 3 इंच लंबे होते हैं, हमेशा हरित मतलब सदा हरित वृक्ष होता है, वृक्ष होता है, सूप नहीं होता, ठीक है भाई। एक चीज़ पता होनी चाहिए, पूछ ले तुम्हारे वाइवा में कि यार अगरू कैसा होता है दिखने में, तो तुम ऐसा मत बोलना झाड़ियों की तरह होता है, बड़ा होता है, वृक्ष होता है। उसके बाद अपन बात करेंगे इसके पुष्प की। वाइट कलर के इसके फूल आते हैं और फल जो होता है वो एक या 2 इंच लंबे होते हैं, ठीक है। इसके बाद अपन बात करेंगे इसकी परीक्षा कैसे करेंगे कि यार अगरू कैसा है। जो अगरू जो पानी में अगर डूब जाए तो वो अच्छा माना जाता है ना, सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, कि जो पानी में डूबने पर ही बढ़िया माना जाता है। अब अगरू की अलग अलग जातियाँ होती हैं, तो जो राजनीकटु थे उन्होंने 4 प्रकार के बता रखे हैं, ठीक है। कृष्ण अगरू, काष्ठ अगरू, दाहा अगरू और मंगली अगरू, ठीक है। और जो मंगलिया गुरु होता है सर्वश्रेष्ठ होता है, वो इतना आपको तुम्हें ध्यान यूजी के लिए इतना ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है ना, इतना पता रखना कितनी जातें होती है, 4 टाइप का होता है राजनीकंडू का अकॉर्डिंग। अब उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि रस पंचक कैसा होता है इसका। वीर की बात करें सबसे पहले अपन, तो उष्ण होता है। गुण की बात कर लघु वृक्ष होता है, विपाक कटु होता है और रस जो आता है वो कटु और तिक्त होता है। ये जो चीज़ें हैं ना भाई रस पंचक वाली, ये मैंने एक वीडियो डाला है डीजी जो अभी मेरे यूट्यूब चैनल पर, द्रव्य गुण के जितने भी ड्रग्स है A to Z सबका मैंने रस पंचक एक ट्रिक के थ्रू जो है ना सबको समझा दिया है एक ही वीडियो में, है ना। बहुत ज़्यादा लेंथी भी वीडियो नहीं है, 8 मिनट का वीडियो होगा, 8-9 मिनट का। उसमें जितने भी ड्रग्स है सबका मैंने ना रस पंचक निकाल के एक ट्रिक के थ्रू मतलब 44 ट्रिक्स है बता रखा है ना भाई। तो उसके बाद अपन बात करेंगे जो अगरू होता है उसका काम क्या है और आमे की प्रयोग क्या है। आमे की प्रयोग ये होता है कि मतलब जो दो वातपित्त कप है ना उसके बारे में बताता है कि क्या करता है, यूजेज क्या है। तो अपन बात करते हैं सबसे पहले जो वात और कप को समन करता है, ठीक है। नाड़ी उत्तेजक और दीपन पाचन होने से अग्निमाध्य तथा आम दोष में उपयोगी, जिसके आम बना हुआ होता है ना भाई उसमें ज़्यादा यूज होता है। और हृदय विकारों में भी काम आता है, हृदय वालों में और ब्लड विकारों में, क्योंकि मेनली जो हृदय रोग जो होता है ना वो रक्त के कारण होता है। और जो रक्त जो है ना भाई अगर ज़्यादा मतलब जैसे अपन बोलते हैं ना नॉर्मल लैंग्वेज में कि ज़्यादा गाढ़ा हो गया, तो अभी मॉडर्न में एस्प्रिन देते हैं, ठीक है। तो एस्प्रिन किस लिए देते हैं कि ब्लड को पतला करने के लिए देते हैं, और क्या मेनली वजह वही है। और इसकी जो रिदम है हार्ट का वो नॉर्मल हो सके, इसके लिए एस्प्रिन का यूज़ करते हैं मॉडर्न के अंदर मेडिसिन, है ना। उसके बाद और लिखा उन्होंने कि जो उत्तम शीत प्रशमन बल्ली और रसायन होने से दुर्बल रोगों में कपनाशक और श्वास रोगों में श्वास काश में भी काम है, मतलब खांसी में अगर श्वास संबंधी अस्थमा में भी काम आता है। बात करें बुखार में, बुखार में इसका जो फांड पिलाने से तृष्णा यानी प्यास कम हो जाती है ना भाई, जो अपन गला सूखता है ना इसका अगर तुम बनाओगे ना फांड, ये वैसे जी कल्पना में तुम लोगों ने पढ़ा ही होगा कि फांड क्या होता है, तो मुझे यहाँ बताने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, तो ना प्यास कम हो जाती है। स्किन डिजीज़ के अंदर इसका लेप लगाया जाता है ना भाई, ये बात पता होनी चाहिए। और जहाँ पे जलन अगर जैसे कि किसी आग से जल गया हो या अंदर बर्निंग सेंसेशन हो ना भाई, उसमें अगरू का शरीर पर लेपन लगाने से आराम मिलता है। उसके बाद जैसे कि अस्थमा हो गई, खांसी हो गई, इक्का हो गया, उसमें भी
अगरू के तेल का प्रयोग किया जाता है। शरीर को सुगंधित करना है ना भाई, जैसे तुम परफ्यूम वर्फ्यूम लगाते हो ना, उसमें भी इसका अगरू का यूज होता है ना। कपूर, केसर, लोहबान और नागरमोथा को बराबर मात्रा में लेकर बारी पीछे, और इसका लेप दुर्गंधनाशक मतलब जो परफ्यूम आता है ना उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है, केसर ऐसे, ताकि बढ़िया खुशबू आ सके। शीत प्रशमन होने से जो ठंडा बुखार है ना भाई, उसमें भी इसका बढ़िया यूज है कि यार ठंड के ठंड लग करके बुखार आता है ना भाई, मलेरिया वाले डिजीज़ में, तो इसका भी यूज कर सकते हैं अपन। इसके बाद अगर क्वेश्चन पूछता है, इसका एक बेटा ऐसा पूछता है कि एक विशिष्ट योग बताइए, तो अगरू आदि तेल। अब ये सब तुमने तो पढ़ लिया भाई, ठीक है। अब तुम्हें वाइवा में पूछा जाता है कि बेटा बता कि इसके यूज़ क्या करोगे, ठीक है। अगरू तो तुमने उठा दिया, ठीक है, लेकिन यूज़ क्या करोगे, तो तेल यूज़ कर सकते हैं, और इसका जो खान का सार है वो यूज़ कर सकते हैं, और इसकी मात्रा भी याद करनी है तुम्हें ना, चूर्ण होता है 1 से 3 ग्राम, और तेल की बात करें 2 से 4 बूंद यूज़ कर सकते हैं। रासायनिक कंपोजिशन पूछते हैं अलग अलग ड्रग्स का, काफ़ी सारा पूछा गया है। सेस्कोट्रोपिन करके नाम आता है, एक एल्कोहल विलेय पदार्थ होता है, ये चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा बस इतनी सारी चीज़ें तुम कर लोगे ना भाई, ये तुम्हारा 10 इस जो मेरे पास बुक्स है ना उसमें थोड़ी शॉर्ट में दे रखा है, तो ताकि मतलब एग्ज़ाम ऑफ व्यू में ज़्यादा ईजी हो सके। तो ये वीडियो देख लेना, अच्छा लगेगा आई होप। और रही बात नेक्स्ट वीडियो की, तो नेक्स्ट वीडियो जो तुम कहोगे ना भाई उस टॉपिक में निकाल देंगे। अभी एनाटॉमी में भी बच रहे हैं और पदार्थ विज्ञान भी बच रही है, तो बाकी ड्रग्स में मैं ईजी करवा लूँगा। लेकिन सबसे पहले तो तुम एक ये तो समझना, एक ड्रग्स मैंने इसलिए समझाने के एग्जाम्पल के तौर पर मैंने ये वीडियो डाला है, ताकि तुम्हें ना ड्रग्स समझ सको क्या क्या पढ़ना होता है इसमें ड्रग्स में। दूसरी चीज़ इसमें है कि जो मैंने वीडियो डाली है रस पंचक वाली, तो वो भी तुम्हें देखनी है, ताकि है ना तुम्हारे रस पंचक क्लियर हो सके सारे के सारे, ठीक है भाई। और अब देख लो, ये डायग्राम दे रखा है, ऐसे पत्ते होते हैं अगरू का। और बाकी जो ड्रग्स है वो भी मैं इजी वे में करवा दूंगा। और अगर जिस मैं मतलब जो भी सब्जेक्ट है फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर में भी, ठीक है, तो वो मेरे को कॉमेंट में बता देना। और मेरे डिस्क्रिप्शन में मैं व्हाट्सअप जो ग्रुप है उसका मैं लिंक डाल दूंगा, तो जो लोग नए हैं वो ज्वाइन कर लेना, और ताकि तुम्हें हेल्प और मिल सके। और मतलब जो भी दिक्कत हो तुम्हारी किसी भी सब्जेक्ट में, या सपोज़ किसी के बैक भी लगी हो तो भी बता देना, उसके भी कुछ सिस्टम बैठाएंगे। बाकी सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो भाई, जितने ज़्यादा तुम्हें ना सपोर्ट करोगे उतने बढ़िया बढ़िया वीडियो और मिलेंगे तुम्हें। थैंक यू गाइज़।